आर्मी रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती को ऑफिसर वेबसाइट से ऑफिसर नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में महिला कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो भारतीय सेना की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी पूरे भारतीय कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो सबसे बड़ी बात होगी, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं रहेगा। और इस भर्ती की जो एज लिमिट रहेगा, यानी कि जो आपकी आयु सीमा रहेगी 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिसर नोटिफिकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आवेदन करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भर्ती के रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी हुई, लेटेस्ट नोटिफिकेशन हुआ, या कोई एडमिट कार्ड होगा, जैसे सिलेबस आएगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उसका अपडेट दिया जाता है। तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस ग्रुप का लिंक दिया गया है। हु कैन अप्लाई, तो उस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आपके रहेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक का पे स्केल है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। वैसे आपको यहाँ पर कितनी प्रकार की वैकेंसी दी गई है, सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग सैलरी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के लिए 25 रुपये रहेगा और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में भी आप आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती का जो एज लिमिट रहेगा, अगर आपकी एज 18 ईयर से लेकर 27 ईयर के बीच में तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है जिसमें आपकी एज रहेगी 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। एससीएसटी कैंडिडेट के लिए जो आपकी एज रहेगी 18 ईयर से लेकर 32 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससीएसटी वालों को 5 ईयर की दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल होगी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, अगर आप नॉर्थ इनर जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी यहाँ पर हाइट रहेगी 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। इस भर्ती में कोई रनिंग टेस्ट भी नहीं होगा, यानी कि कोई दौड़ कोई फिजिकल टेस्ट आपको यहाँ पर नहीं रहे, केवल और केवल हाइट नापी जाए कुछ पोस्टों के लिए। वो पोस्ट कौन सी होगी उसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो कंप्लीट देखते रहना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, एजुकेशन की सभी डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, यानी कि आईडी प्रूफ भी आपको यहाँ पर देना होगा, यानी कि इनकी जीरोक्स आपको यहाँ पर देना अनिवार्य रहेगा। जो आपके पास फोटो जोड़ना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने कम से कम 10वीं पास भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने 10वीं 12वीं कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर रहेगी। अगर आप इस भर्ती का सिलेबस देखना चाहते हैं वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटल जो आपका यहाँ पर एग्जाम रहेगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। टोटल 200 नंबर का आपका यहाँ पर एग्जाम रहेगा और जिसका समय आपको यहाँ पर 2 घंटे दिया जाएगा, यानी कि ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का होगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा,
लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले बता दूं क्या आपको यहाँ पर फोटो लगाना होगा। आपको यहाँ पर फोटो को सेल्फ अटेस्टेड भी कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम फिल करना होगा, जो यहाँ पर 10वीं की आपकी मार्कशीट पर दिया गया है वही आपको यहाँ पर कंप्लीट नेम फिल करना है। अपने पापा का नाम यानी कि फादर नेम देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एज काउंट करके बतानी हो कितनी आपकी यहाँ पर एज हो चुकी है। आपको यहाँ पर ईयर बताना है, मंथ बताना है, डे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। इसी प्रकार से बताना है किस कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल ओबीसी एसएसटी जो भी आप हो उसकी मेंशन यहाँ पर करनी होगी। फिर नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडियन फिल करना है। रिलीजन अगर आप हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा, विद आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी आपको यहाँ पर अपना मेंशन करना होगा। फिर आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस देना होगा, विलेज अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं वो, नहीं तो आपको हाउस नंबर यहाँ पर देना अनिवार्य रहेगा। फिर आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, स्टेट बताना होगा, पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करने के बाद इसी प्रकार से आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में भी यही फिल कर देना है। एजुकेशन की सभी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आगे का फॉर्म आपको यहाँ से फिल करना होगा और आपको यहाँ पर इसमें लेफ्ट थंब देना होगा, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे मेल कैंडिडेट के लिए। और जो राइट थंब देना होगा उसकी जानकारी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए देनी होगी, यानी कि फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर राइट थंब देना होगा और मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लेफ्ट थंब आपको यहाँ पर देना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल अपनी फिल करनी होगी। अगर आपके पास यहाँ पर फोटो देने हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपको यहाँ पर सभी जानकारी देने के बाद इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट पर इस भर्ती का एड्रेस दिया गया है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, यानी कि सेंड करना होगा ये वाला फॉर्म फिल करना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया, जहाँ पर लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप वीडियो इन इंडिया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वो वीडियो देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा। आपको जहाँ पर पोस्ट नेम रहेगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ट्रेडमैन की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जो आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी कुक के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए होगी, गार्डनर, मैसेंजर, वाशरमैन, ग्राउंडमैन, कारपेंटर, ड्राइवर के लिए होगी, साइकिल रिपेयर, ग्रूम, और आपको यहाँ पर जो सेफ जो कैरी वैकेंसी दी गई है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए होगी, चौकीदार, MTS यानी कि MTS की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है और सफाई कर्मचारी की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर साफ साफ बताया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी, यानी जो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, जहाँ पर आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है आपको वहाँ पर नौकरी मिलेगी, प्लस आप यहाँ पर इंडियन आर्मी के अंडर में आप यहाँ पर काम भी करेंगे, सरकारी नौकरी होगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आपने कम से कम मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे, यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती की वैकेंसी भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। MTS, सफाई कर्मचारी, मैसेंजर, आपको यहाँ पर कितने ही प्रकार की वैकेंसी दी गई आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। MTS सफाई वाले की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इसमें आपको नीचे मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये फिल करना है। फिल करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट पर इस भर्ती का एड्रेस भी दिया गया है, जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 30 जनवरी 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है, यानी कि जो इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 30 जनवरी 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।